हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट समीर आज की वीडियो में जो लेके आया हूँ काफ़ी ज़्यादा स्पेशल वीडियो होगी। आज की वीडियो में बेसिकली आपको AWS सर्टिफिकेट के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस तरह से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या उसके बेनिफिट हैं। बेनिफिट के लिए अगर बात करता हूँ तो इसका छोटा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कि भी आपको रिसेंटली पता है दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई थी। एग्ज़ाम्स की अगर कट ऑफ की मैं बात करता हूँ तो आपको जैसे कि आपको पता है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी जुड़ चुकी है। प्लेंटी ऑफ दी अगर मैं बात करता हूँ लाखों वॉलंटियर्स उसमें दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई करते हैं और वैकेंसी जो आती है सिर्फ काफ़ी लिमिटेड वैकेंसी आती है। एग्ज़ाम्स की कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूँ तो 70-80 के बिटवीन में ये कट ऑफ जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है आज के टाइम में नॉर्मल पर्सन के लिए अचीव करना, राइट। सो उसमें मैं आपको बता दूँ, एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। AWS सर्टिफिकेट जिनके पास अवेलेबल था, आप यकीन नहीं मानोगे, 30-40 नंबर लाने के बावजूद, राइट, उनका सिलेक्शन माना गया था, उनका एग्ज़ाम पास माना गया था, राइट। सो आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा बड़ा प्रूफ मुझे देने की रिक्वायरमेंट है, राइट। आप चाहे तो इसे गूगल कर सकते हैं या फिर आने वाली वीडियो में आपके साथ ये पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँगा, राइट। AWS सर्टिफिकेट का इतना ज़्यादा फ़ायदा है, राइट, कि 30-40 मार्क्स कोई भी पर्सन ईजिली अचीव कर सकता है, यानी आपको जो आपके रिजर्वेशन में एक काफ़ी अच्छा पॉइंट मिल जाता है। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप इस सर्टिफिकेट को जितना हो सकता है अप्लाई करें। जो जो इस कैटेगरी के अंदर आता है, जो जो बनाना चाहते हैं AWS सर्टिफिकेट को, पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो में एक गोल्डन पॉइंट की बोनस आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा कहाँ पे कैसे, राइट। सो होपफुली वीडियो आपको पसंद आने वाली है। टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली चलते मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। सो दोस्तों, हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। इस फॉर्म में जैसे कि आप बेसिकली देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको AWS सर्टिफिकेट के बारे में बताऊँगा कि किस तरह से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आपको भरना है। काफ़ी ईजी और सिंपल होने वाला है, सिर्फ 2 पेज का फॉर्म है, राइट। बेसिक इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। फॉर्म भरते वक्त मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ जरूर शेयर करूँगा, सो प्लीज़ इसे ध्यान से देखें। सो सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फ़ोटो लगाना है बेसिकली, राइट। यहाँ पे आपको नाम आपका लिखना है, यहाँ पे आपको फादर नेम मेंशन किया जाएगा, राइट। यहाँ पे आपका जो जेंडर है यानी मेल फीमेल, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, राइट। यहाँ पे आधार कार्ड आपको मेंशन करना है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपकी जो कास्ट है, राइट, वो आपको मेंशन करनी है। फिर कास्ट के अंदर भी एक और सब कास्ट आती है, वो आपको मेंशन करनी है। ये आपको आपकी बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो उसके बाद आपकी डिटेल्स आती है परमानेंट एड्रेस की, राइट। परमानेंट एड्रेस में यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे डोर नंबर, राइट, यहाँ पे आपको जो लैंडमार्क है, यहाँ पे आपको जो स्टेट है जैसे कि दिल्ली में रहता हूँ, फिर उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर देना है। मंडल का मतलब तालुका होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप उसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपका गांव, यहाँ पे आपको जो एरिया पिन कोड है वो आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जैसे कि आप इसे देखेंगे, पोस्टल एड्रेस इज सेम एज़ परमानेंट एड्रेस, अगर सेम है तो आप इसे यस कर सकते हैं या फिर नो कर सकते हैं, जैसे भी है। अगर अलग है सो सारी डिटेल आपको फिल कर देनी है, अगर सेम है सो छोड़ देना है। सिर्फ यहाँ पर आपको 3 बातों का ध्यान देना है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ऐड होना, आपको मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पे आपको जो आपकी मेल आईडी है वो लिखनी है, और यहाँ पे आपको आपका राशन कार्ड जो नंबर है वो मेंशन करना है, उसे डालना ना भूले, राइट। सो इसके बाद अगर हम बात करता हूँ तो इसके बाद का प्रोसीजर भी आता है। इसके बाद हम आके आ जाते हैं इनकम डिटेल पर, राइट। इनकम डिटेल की अगर हम बात करता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन है, राइट। सो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, आपकी जो सालाना इनकम है वो 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए, वो आपको मेंशन करनी है कितनी है। उसके बाद हम आते हैं आपकी दूसरी इन्फॉर्मेशन पर, यानी इस पार्ट के बारे में हम बेसिकली बात करेंगे, एसेट्स इन्फॉर्मेशन, यानी आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको भी यहाँ पे देनी है। बेसिकली मैं पर्सनली आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इन सब में नो कीजिएगा। अगर आप यस करते हैं सो मैं आपको इस बात को एश्योर कर सकता हूँ कि आपका AWS सर्टिफिकेट बनाने में आपको डिफ़िकल्टीज होगी। पहला ऑप्शन आपके पास आता है कि 5 एकड़ से ज़्यादा आपके पास ज़मीन है, येस और नो में आपको आंसर देना है। रेजिडेंशियल फ्लैट की अगर बात करता हूँ, 100,000 square feet, येस और नो अगेन। रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 square feet yard and above in noticed
म्यूनसिपल पार्टीज़ क्या उनकी इन्फॉर्मेशन में है या नहीं है, येस और नो में, अगेन यानी इस तरह का, फिर सेम इस तरह का नीचे ऑप्शन दिया गया, राइट। सो हम आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। सो उसके बाद नोट वाले पॉइंट को आप छोड़ सकते हैं। अब मेन पार्ट पे आता है, डॉक्यूमेंट्स पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, राइट। यानी अगर हम बात करते हो सो ये वाला जो आपका पार्ट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये पार्ट डिसाइड करता है कि आपका EWS का सर्टिफिकेट बनेगा कि नहीं बनेगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, एप्लीकेशन फॉर्म, जो फॉर्म मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये फॉर्म, राइट, ये मैं बताऊँगा आपको कहाँ से मिलेगा, डोंट वरी, कैसे आपको डाउनलोड करना है ये भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। उसके बाद आपको आपका राशन कार्ड और आधार कार्ड दोनों मेंशन कीजिएगा, राइट। एपिक कार्ड ड्रॉप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपके पास ऑप्शन है कॉपी ऑफ IT रिटर्न्स या फिर पे स्लिप या फिर और कोई अदर डॉक्यूमेंट्स। ये इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि जैसे ही अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको जो इनकम सोर्स है वो आपको मेंशन करनी होती है, आप इसके लिए अगर चाहिए इन तीनों में से, अगर आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है सो अपना आप इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं पहले, फिर लगा सकते हैं। उसके बाद आपका एफिडेविट यहाँ पे आप इस फॉर्म को जमा करने जाएंगे आपके HDM ऑफिस, वहाँ पे आपका एफिडेविट बन जाएगा। उन्हें क्लियरली बोलिएगा मैं EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, एक एफिडेविट बना दीजिए, वो 150-200 रुपये लेंगे और आपका एफिडेविट हैंड टू हैंड बना के दे देंगे। उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन आती है नोट पे, अगर हम जब जाते हैं सो नोट पे आप ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मैं आपके द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है आपकी जानकारी के मुताबिक बिल्कुल सही है, अगर इसमें कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी पूरे जिम्मेदार आप होंगे, राइट। उसके बाद एक और ऑप्शन आ जाता है कि आप, राइट, आई डू नॉट बिलोंग टू SC ST एंड OBC कास्ट। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं सो आप SC या फिर ST और OBC कास्ट से बिलोंग नहीं करते, बेसिकली ये इसमें दिया हुआ है, राइट। फिर उसके बाद फॉर्म ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे आपको डेट मेंशन कर देनी है बेसिकली, अगर हम बात करते हो, राइट, जिस डेट को आप जमा करेंगे वो डेट मेंशन कर दीजिएगा और यहाँ पे साइन कर दीजिएगा। अब साइन से रिलेटेड एक छोटा सा नोट मैं आपको दे देता हूँ, राइट, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं नोट आपको दे रहा हूँ। अगर जो EWS सर्टिफिकेट बना रहे हैं अगर 18 साल से कम है, राइट, सो उस सिनेरियो में जो सिग्नेचर होंगे वो सारे उनके पेरेंट्स के होंगे। अगर 18 साल से ज़्यादा का पर्सन इस सर्टिफिकेट को बना रहे हैं या फिर 18 साल के, सो उस सिनेरियो में वो अपने साइन करेंगे, इस बात को प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, राइट। और ये जो आपको पूरी की पूरी जो PDF है, राइट, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दूँगा। टेलीग्राम चैनल जैसे कि आपको पता है समीर इन्फो के नाम से बना हुआ है, राइट, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मींस बेसिकली डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ पे जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इजी और सिंपल प्रोसेस है, जल्दी जाए, राइट। सो होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। सो जैसे कि आपने देखा इस तरह का सारा प्रोसीजर और फॉर्म होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा ईजी और सिंपल प्रोसीजर होगा, लेट ना करें, जितना जल्दी आप करेंगे उतने ज़्यादा आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, उतनी जल्दी आपके लिए सर्टिफिकेट बनेगा, क्योंकि आप इसे प्लेंटी ऑफ द टाइम अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें लिमिट नहीं है कि एक दो बार तीन बार, अगर एक दो बार रिजेक्ट हो भी जाता है तीसरे से चौथी बार आपका बन जाएगा। और बनने में क्या फ़ायदा होगा मैं ऑलरेडी इनिशियल स्टेज में बता चुका हूँ, लेट ना करें, अभी जल्दी करें, राइट। PDF का लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, राइट, वहाँ से आप जाके इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ, अभी आपसे लेता हूँ अलविदा, अभी के लिए गुड बाय।